थाने जिले में लगी सोलापुर फेस्टिवल, जिसमें सोलापुर की पूरी जानकारी दी गई है। और सोलापुर में 3 दिन रखा हुआ था फेस्टिवल, 17, 18, 19। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं ये स्टॉल सोलापुर, जिसमें चादर हर एक चीज़ मिलती थी। चादर हो गए, दवा हो गए, आयुर्वेदिक दवा, तो फ्रूट वगैरह वगैरह, मतलब सब चीज़ मिलते थे। दवा से लेके सब चीज़ आप डोनेट कर सकते थे उसमें। कुछ उसमें बहुत कुछ दिखाया गया है और बहुत शानदार बनाया गया है, बोले तो बहुत मस्त, देख के आप खुश हो जाओगे। 3 दिन मैं भी इधर था और इनके होनर है हमारे थाने जिला के DSP और सोलापुर के खास बापूजी। ये सब है, स्टॉल लगाया गया है फ्रेंड्स, और इतनी मस्त लग रही है। ये है छोटा सा बच्चा जो शिवाजी बना था, जो भाषण शुरू होने से पहले ये अपना लेक्चर देता था शिवाजी के ऊपर से। बहुत क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है अभी वो। ये भी स्टॉल है, ये पूरा ये साड़ी वीड़ी कपड़े ये सब इधर लगाए हुए हैं इन्होंने। ये कपड़े हैं, साड़ी है, ये कुछ जूस है और बहुत कुछ है इसमें। ये है सोलापुर के 4 टेंपल मंदिर, श्री सिद्धेश्वर महाराज, श्री विट्ठल महाराज और ये श्री तुलजा भवानी। ये है स्वामी समर्थ महाराज जी। तो हमारे सोलापुर में 4 टेंपल हैं, ये आई लव सोला। तो आइए आपको भी आगे भी दिखाते हैं, आगे भी ये पंढरपुर का, मतलब सोलापुर में पंढरपुर के बारे में दिया गया है, विट्ठल जी के सुविचार जो भी है। कितने मस्त है लिखे हुए इन्होंने, और भी ऐसे बहुत कुछ दिए बताए गए हैं सोलापुर फेस्टिवल में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कुछ ही टाइम में। यह आई लव सोलापुर, कितनी मस्त, कितनी क्यूट सजाया गया फ्रेंड्स, आप देख के खुश हो जाओगे, गए होते तो शायद, अभी तो नहीं गए होंगे फ्रेंड्स। ये है तुलजा भवानी मंदिर में, तो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मस्त लगा इनको देख के हमने। टेंपल के पास रहे, खड़े होके लोग बजा रहे थे, गा रहे थे, अपने में मस्त देख रही थी। अब बहुत पब्लिक आई थी देखने के लिए, थाने के लोग आए थे, बाहर के लोग भी आए थे, सोलापुर के भी लोग आए थे। लेकिन मैंने भी 3 दिन गया था, मेरे को इतना मज़ा आया ना, इतना मस्त लगा ना, पूछो मत, इतना मस्त मज़ा आ रहा था। और ये है आर्टिस्ट, आर्ट प्रिंटर, और इतना मस्त मस्त प्रिंटिंग किए हुए थे ना प्रिंटर, बाहर के लोग, सोलापुर के लोग। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इतना मेहनत किए थे इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के, ये प्रिंटर भी देख के। फ्रेंड्स आप भी गए होते तो बहुत मज़ा आता, बहुत बहुत बहुत, एक से एक लोग आए थे उधर देखने के लिए, ये आर्ट को भी देखने के लिए। फिर जैसे कि हम जानते हैं ये सब होते हैं सब जगह फेस्टिवल वेस्टिवल, तो जाना चाहिए, कुछ जानकारी लेना चाहिए हमें भी। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इतनी क्यूट प्रिंटर इनके बनाए हुए हैं पेंटिंग। और आपको हम दिखाने वाले बाहर का सीन शाम के टाइम का, ये पहले दिन का सीन है जहाँ हवन हो रहा था। पहले दिन आए थे हमारे एकनाथ शिंदे जी। ये फ्रूट स्टॉल, इधर फ्रूट के लगे हुए थे पूरे, और ये किड्स बच्चे खेल रहे थे अंदर,
ये पूरा स्टेज लगा हुआ है गाइस, देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना शाम के टाइम में, लाइटिंग वीटिंग तब बहुत कुछ अजीब ही लग रहा था मुझे तो देख के, मन तो कर रहा था इधर ही रह जाऊँ। क्योंकि उस वो 3 दिन का ही था, फ्रूट का टेबल है, फ्रूट खाने पीने क्या वगैरह वगैरह, वड़ा पाव वड़ा पाव बिरयानी वगैरह वगैरह सब मिल रहे थे इधर। सोलापुर में क्या क्या फेमस है वो सब मस्त था, सोलापुर की पूरी फ्रूट थी इधर, इतना मस्त दिख रहा है गाइस ये स्टेज है। सोलापुर बहुत ही बहुत अच्छा जगह है, और ये बच्चे लोग का खेलने का जगह है गाइस, एक कार्टून है इधर, बच्चे लोग खेलते हैं आके गेम वगैरह वगैरह, झूले वूले ये इसके बहुत ही मज़ा आता है इसमें, किड्स में भी बच्चे लोग को एक माहौल क्रिएट कर देता है बच्चे लोग को गेम खेलने के लिए। अभी तो पबजी भी चालू हो गया है, इसमें पबजी नहीं था गाइस। फुल एंजॉय किए बच्चे लोग ने भी इसमें, बहुत सारे मजा किए। ये है, ये 19 तारीख का है जिधर हमारे गायक गाए थे अनूप। खुश हुआ देख के, बहुत अच्छा लगा मुझे जब पूरी पब्लिक आ रही थी थाने जिला की। कहीं ऐसा कुछ रहता है ना तो जाना चाहिए, कि हमें भी कुछ माहौल क्रिएट करने को मिलता है, मस्ती करने को मिलता है। पूरी फैमिली आ रही थी, सबके बच्चे आ रहे थे और सब फोटो निकाल रहे थे मंदिर के पास इधर।